तो भाई लोग क्या हाल चाल और कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। बहुत सारे बंदे इरेंगल खेल खेल के बोर हो गए हैं क्योंकि उसमें कोई भी मोड नहीं है। एंड यहाँ पर बहुत सारे बंदे टीडे में ही मज़ा कर रहे हैं एंड यहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं अपने टीममेट लोग के साथ या अपने फ्रेंड लोग के साथ। यहाँ पर 1v1 कर रहे हैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए एंड यहाँ पर थोड़ा फाइट कर रहे हैं 1v1। तो यार ऐसे में अपने फ्रेंड को हराने के लिए थोड़ा प्रो प्लेयर बनना ज़रूरी है। तो यार वही आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं टॉप 5 ऐसे टिप्स अगर आप लोग टीडीएम के अंदर यूज़ करते हो तो आप लोग किसी भी एनिमी से ईजिली अपने टीममेट वगैरह को हरा सकते हो। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले, इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब, चलो बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग जानते हो कि जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर स्टार गेमिंग एंड बहुत सारे यूट्यूबर जो टीडीएम के प्रो प्लेयर है वो लोग अगर आप लोग गेम प्ले देखते होगे तो वो कभी भी खुले में नहीं आएंगे, मतलब एनिमी को एडवांटेज नहीं देंगे। ज़्यादातर अगर कोशिश करेंगे ना तो यार आप लोग देखोगे कवर बाई कवर खेलते हैं, टीपीपी हल्का सा लेते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देखोगे कि कम बहुत ज़्यादा ही कम खुले में आते हैं, एनिमी को ना के बराबर एडवांटेज देते हैं। एंड ऐसे में क्या होता है, एनिमी को कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलता एंड यहाँ पर बहुत कम किल कर पाते हैं। तो ऐसे आप लोग करो, आप लोग कभी भी खुले में मत करो। कभी भी अगर आप लोग टीडीएम अपने टीममेट वगैरह या फिर अपने जो फ्रेंड वगैरह के साथ खेलते हो 1v1 तो उसमें कभी भी आप लोग खुले में मत जाओ। बहुत बार क्या होता है एकदम भाई हीरो बनते हैं अपने दोस्त के सामने खुले में जाके मारते हैं, तो ऐसे में आपके पास कोई भी कवर नहीं आने वाला है। अगर आप लोग कवर बाई कवर खेलते हो तो आपको थोड़ा सा डैमेज मिलेगा, फिर आप लोग जाओगे कवर में एंड फिर आपका हेल्थ बढ़ जाएगा एंड फिर अगर आप लोग मारोगे तो ऐसे आप लोग बच सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी था, अगर आप लोग कवर बाई कवर खेलते तो आप लोग को मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं हद तक। तो भाई चलो पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखो टीडीएम के अंदर ना दो टाइप के बंदे होते हैं, एक लेफ्ट राइट से खेलते हैं एक राइट साइड से खेलते हैं। यहाँ पर मैं सच बताऊँ मेरे को दोनों तरफ का आदत हो चुका है। वैसे यहाँ पर मैं पहले में राइट साइड से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खेलता था एंड यहाँ पर अगर आप लोगों को भी दोनों तरफ का प्रैक्टिस करना है तो आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में या फिर टीडीएम वगैरह ज़्यादा खेल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बंदे मेरे जैसे होंगे जिनको भाई यहाँ पर राइट साइड से खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड से थोड़ा गम लेकिन आता है। तो यार मतलब आप लोगों ना जहाँ से भी अच्छा लगे लेकिन राइट साइड से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू अगर आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग यहाँ पर राइट साइड से खेलते हो ना, व्यू वगैरह या फिर बंदे को मारने में थोड़ा ज़्यादा सही बनेगा। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे लेफ्ट साइड का तो भाई लोग आप लोग ज़्यादातर मरोगे लेफ्ट साइड में। जहाँ पर अगर आप लोग राइट साइड पर फाइट लेते हो तो आप लोग देखोगे बहुत ही ज़्यादा कम बार आप लोग मरोगे एंड काफ़ी ज़्यादा बार आप लोग एनिमी को मारने वाले हो। तो यार आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करना है एंड राइट साइड पर आप लोग कोशिश करो कि बंदे को ले जाओ एंड यहाँ पर ईजिली मार दो। तो बेस्ट साइड होता है राइट साइड एंड बहुत सारे बंदे को अंदर जहां पे AWM रखा रहता है वहां पे फाइट लेने का मन करता है और बहुत सारे बंदे को यहां पर राइट साइड पे। तो यार यही दोनों अच्छा जगह है जहां पे आप लोग फाइट ले सकते हो या फिर आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करके इसको परफेक्ट कर सकते हो। तो चलो पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि आप लोगों को कहाँ पे अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है, जैसे राइट साइड पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है एंड अगर आप लोग लेफ्ट साइड खेलते हो तो आप लोग उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं एंड में आप लोग को इजिली मार देते हैं। तो कभी भी अगर आप लोग अपने टीममेट वगैरह अपने भाई फ्रेंड वगैरह के साथ खेलते हो तो यार पहले आप लोग उसका चेक कहाँ पर वो अच्छा खेल रहा है। अगर वो लेफ्ट साइड पर अच्छा खेल रहा है तो आप लोग उसको एक ऐसा जगह ले जाओ जहाँ पर उसका ना भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा खेल हो, मतलब आप लोग उसको इजिली मार पाओ। तो यार आप लोग कभी उसको एडवांटेज नहीं देना। अगर वो राइट साइड पे अच्छा खेल रहे हैं तो आप लोग लेफ्ट साइड पे ले जाओ। अगर भाई लोग वहाँ पर दोनों तरफ अच्छा खेल रहे हैं तो यार घर वगैरह पे मारना स्टार्ट करो जहाँ पे उसका प्रैक्टिस नहीं है। तो यार अगर ज़्यादा ही अच्छा खेलता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप लोग थोड़ा कोशिश करो कि एनिमी को ऐसा जगह ले जाए जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा घटिया खेलता है एंड यहाँ पर आप लोग ऐसे करके इजिली वो फाइट जीत सकते हो। अब बात करें फ्री फायर जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है बोले तो एक नंबर चीज़ है एंड अगर आप लोग टीडीएम में उसको मास्टर कर लेते हो तो यार आपसे ना कोई भी बंदा यार डरने लगेगा। तो यार ऐसा क्या चीज़ है, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। जब भी अगर आप लोग फ्री फायर दो ना तो यार आप लोग को कोशिश करने की बहुत ज़्यादा ही डैमेज उस वाले बंदे को पड़े। अब जैसे डैमेज अगर आप लोग को पड़ जाए तो यार एनिमी को दूसरा बार मारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप लोग फ्री फायर थोड़ा मास्टर करना चाहते हो उसके लिए आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा एंड ट्रेनिंग ग्राउंड पर आप लोग को जाना पड़ेगा एंड उसमें आप लोगों को चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जब बंदा निकले उससे पहले आप लोगों को गोली चलाना, जैसे आप लोग कुछ कुछ क्लिप में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो टीडीएम के कि मैं जहाँ पर भी बंदा निकल रहा ना उससे थोड़ा सा पहले यहाँ पर मैं गोलियाँ चलाकर फ्री फायर दे रहा हूँ। ऐसे करने से ना बंदे वहाँ पर आने से पहले उसको गोलियाँ लग जाएगी एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसको डैमेज होगा, फिर मैं उसे आसानी से इसलिए मार सकता हूँ। तो यार ऐसे करके आप लोग मार सकते हो। और यहाँ पर सेकंड जो बात करें क्रॉस एयर, अगर आपको पता चल जाए कि बंदा कहाँ से निकलने वाला है और उसका जो हेड है वो कहाँ पर होने वाला, उसी हिसाब से आप लोग क्रॉस एयर रखना है। अगर ऐसे अगर आप लोग करते तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप लोग हेडशॉट एनिमी को मार सकोगे। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी। तो यार चलो अपने पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
तो भाई लोग पॉइंट नंबर 5 बस यही है कि यार आप लोगों को अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो यार, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि तुम्हारा भाई ऐसे वीडियो लाता रहे। तो भाई लोग आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद है, तो यार पसंद है तो एक बार शेयर जरूर से कर देना और अपने भाई को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे कर लेना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाए। तो चलो मैं भी सर, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू गाइस।